ऑनलाइन क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा था कि लेंस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें हम लोगों ने लेंस की फोकस दूरी के बारे में भी अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, ये जो दो क्वेश्चन मेरे आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये दो क्वेश्चन हर साल आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस अर्थात जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं को अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस मींस में कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, मतलब उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस मतलब अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, क्यों। ये दोनों को, ये इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है, तो क्यों जाना जाता है इस नाम से, ये हम लोग को बताना है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, 1 मार्क्स में आता है, तो क्या पूछेगा कि उत्तल लेंस को कौन से लेंस के नाम से जाना जाता है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, अपसारी अभिसारी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आप उसमें डाल सकते हो अभिसारी उत्तल लेंस का हो गया और अवतल लेंस का आया तो अपसारी लेंस हो गया, ठीक है। परंतु 2 मार्क्स में जब क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्लियर है। अब हम देखते हैं, पिछला हम लोगों ने जो पढ़ा था कि उत्तल लेंस के लिए F2 का मान पढ़ा था आपने, याद आ रहा होगा, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कैसे निकालते थे, तो देखिए द्वितीय मुख्य फोकस निकालने के लिए क्या करते थे, एक उत्तल लेंस लेते थे, ऐसे है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के सामने यह है उत्तल लेंस, ये O है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, हमने पढ़ा था ये हो गया हमारा F1 हो गया, इस साइड 1 होता है और इस साइड हमारा कौन हो गया F2 हो गया, ठीक है। इसमें 2F को मैं नहीं लिख रहा हूं, 2F वाला भी एक बिंदु होता है जो इससे डबल दूरी पर होता है, छोड़ दीजिए उसको, बस इतने से हमको काम है। तो उत्तल लेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण जब उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है तो वह एक बिंदु पर उसको क्या कर देता है, अपवर्तित कर देता है। यही पढ़ा था आपने, उत्तल लेंस के सामने आ रही प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण को वह एक बिंदु पर, क्या देख रहे हैं आपने, एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसलिए इसे हम कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब होना कि सारे तरफ से आकर के एक बिंदु पे आकर के मिल जाना, अभिसारी का मतलब क्या होता है, एक बिंदु पे आके मिल जाना, और अपसारी का मतलब क्या होता है, एक बिंदु से निकल के चारों तरफ क्या हो जाना, फैल जाना, एक बिंदु से निकल के चारों तरफ फैल जाना मतलब अपसारी, और इसका अभिसारी, अरे आप लोगों को पहले पार्ट में पढ़ाया भी गया है अभिसारी किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज क्या है, पढ़ाया गया तो आप उसमें देख लेना, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि यहां पर उत्तल लेंस समांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर रहा है, इसलिए इसे कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तर लिखते हैं यहां पर हम, क्योंकि उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर, एक बिंदु पर कर रहा है, एक बिंदु पर
अभिसरित मतलब डायवर्ट कन्वर्जिंग कर दिया, मतलब एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जगह नहीं है, मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्लियर। क्यों कर रहा है? क्योंकि यह एक बिंदु पे क्या कर देता है, उसे अभिसरित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर, पहला समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, अवतल लेंस। तो चलिए अवतल लेंस का चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने बिल्कुल साफ साफ बनाइएगा और पेंसिल का ही प्रयोग कर ही लीजिएगा, ठीक है। ये बिंदु हमारा क्या हो गया, ओ हो गया, और इससे कुछ दूरी पर हमने एक इधर बिंदु ले लिया और एक इससे कुछ दूरी पर बिल्कुल बराबर दूरी पर एक इधर बिंदु ले लिया। इधर हमारा एफ कौन होता है, इधर वन है, इधर होगा टू, और इधर हमारा क्या होगा एफ वन, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण, देखिए बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण, जब ये जो अवतल लेंस से इससे टकराती है, तो टकराने के बाद, टकराना नहीं होता, अपवर्तन के बाद ये क्या होता है, एफ टू से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। पढ़ाया था आपको मैंने, एफ टू से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, परंतु बाहर निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जा रही है, चारों तरफ फैल जा रही है, मतलब अपसरित हो जा रही है, इसलिए इस लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तर क्या लिखिएगा इसका, क्योंकि अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को क्या कर दे रहा है, अपसरित कर देता है। अपसरित, अपसरित का मतलब होता है फैलाना, ठीक है, अपसरित मतलब क्या होगा, फैलाना। तो पहला लिख देते, चलिए फैलाना ही लिख देते हैं, ठीक है, अपसरित कर देता है, इसलिए अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अवतल लेंस और उत्तल लेंस आपने अच्छी तरह से देखा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसका फिगर बनाइएगा, ठीक है, और अच्छी तरीके से इसके बारे में हिंदी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस, हमारा जो अपसारी और अपसारी लेंस कहा जाता है, ये समाप्त होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीटीआई भी इसको कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको उतार लीजिए इतना, तब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ परिभाषाओं के बारे में देख लेते हैं जो लेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कुछ अन्य परिभाषाएं, जैसे प्रकाशिक केंद्र जो हम लोग ओ से सूचित करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर है क्या, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, जिसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ फिगर बनाएं, तो यहाँ पर अगर ये उत्तल लेंस है और यहाँ अवतल लेंस है,
तो दोनों का जो ये मिडिल सेंटर है आपका, जो ये कंप्लीट सेंटर है, ये जो है वो सेंटर को हम लोग यहाँ पे ओ से शुरू करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द्वारा। अपर्चर क्या है? तो लेंस, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास को द्वारक कहते हैं। अर्थात जो गोलीय लेंस है इसकी वृत्ताकार रूपरेखा इतनी बड़ी है, तो इसके जो व्यास बनेगा यहाँ का प्रभावी व्यास, मतलब इतनी लंबाई जो बनेगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई बनेगी उसे हम लोग द्वारक कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई बनेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। द्वारक मतलब क्या, ऊपर से नीचे तक की कंप्लीट चौड़ाई जो होगी लेंस की वो हमारी द्वारक हो जाएगी। अपर्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, लेंस की गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आपने पहले दर्पण में पढ़ा था, दर्पण के गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता वो केंद्र कहते हैं, उसी तक लेंस के भी यही हो जाएगा, लेंस के गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आपने पढ़ा था कि लेंस की दो गोलीय सतह होती है, एक इस साइड एक इस साइड, तो जब दो सतह होती है तो ये वाला सतह का हमारा हो जाता है, एक सतह इस साइड होती है और एक सतह इस साइड होती है, तो पहली सतह का हो जाता है एफ वो सी वन और दूसरी सतह का हो जाता है सी टू, और जिसे हम लोग टू एफ वन और टू एफ टू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हमारा क्या, पतला लेंस जिसे हम लोग थिन लेंस कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जिस लेंस का द्वारक उसके वक्रता त्रिज्या से छोटा हो, मतलब कि जिस लेंस का द्वारक जो है, जो ये द्वारक है इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी इससे छोटा होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पतला लेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ डिफिनेशन थे, इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से इसको उतार लीजिए, फिगर ही बनाना है तो फिगर आप लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए इसको, तब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हमारा लास्ट जो है क्वेश्चन है वो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे होमवर्क के तौर पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच में कोई तीन अंतर आप बताएंगे। कितना अंतर बताएंगे, तीन, तीन से अधिक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच में अंतर बताना है, दो पार्ट में आप बांट दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ हिंट दे दे रहा हूँ। पहला अगर हो सकता है तो उसके ले सकते हैं कि उत्तल लेंस किनारे से पतला और बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस किनारे से मोटा बीच में पतला होता है। फिर हमने पढ़ा था कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और तीसरा हम लोगों ने एक और अगर देखना चाहे तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में जो एफ होता है, एफ होता है किस साइड होता है, मेन है एफ टू वाला किस साइड होता है, मतलब इधर रहा, इधर रहा था, उत्तल लेंस की फोकल दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस का जो एफ होता है वो किस साइड होता है, इस साइड होता है, तो अवतल लेंस की फोकल दूरी ऋणात्मक होती है। ये तीन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इतना कर लीजिएगा, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इस होमवर्क को करके मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।